अन्योन्या रोबोन मन्नासो बंगप्स्मिता। दोस्तों, इस प्लेनेट का रिवॉल्यूशनरी बैंड BTS, जिसने K-pop की डेफिनेशन ही बदल दी और जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है, उसने जब से मैकडोनल्ड्स के साथ कोलैबोरेशन किया है, तब से कोई ना कोई न्यूज मीडिया में आती ही रहती है। एक तरफ जहां BTS आर्मी इस मील को लेकर एक्सट्रीमली एक्साइटेड है, वहीं दूसरी तरफ BTS हेटर्स BTS की इमेज खराब करने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, BTS को बदनाम करने की ऐसी ही एक और कोशिश की गई है, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करें। उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। दोस्तों, जिन कंट्रीज में BTS मील अवेलेबल हो गया, वहाँ की आर्मी एक्सट्रीमली हैप्पी है, और जिन कंट्रीज में BTS मील अवेलेबल नहीं हो पाया, वहाँ की BTS आर्मी काफी डिसअपॉइंटेड है, और इसी का फायदा हेटर्स ने उठाने की कोशिश की, और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। फिलीपींस एक ऐसी कंट्री है जहाँ K-pop और K-drama लवर्स की परसेंटेज करोड़ों में है। दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी फिलीपींस में ही क्रिएट हुई, जहाँ एक डिलीवरी बॉय ने हेटर्स का रोल प्ले करते हुए BTS की इंसल्ट कर दी, जिसके बाद न सिर्फ फिलीपींस की बल्कि ग्लोबल BTS आर्मी ने BTS को प्रोटेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया, बैन BTS मील इन फिलीपींस, क्योंकि BTS आर्मी का कहना था कि जिस कंट्री में BTS की रेस्पेक्ट नहीं है, वहाँ BTS मील बैन कर देना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, BTS मील इंडिया में लॉन्च हो चुका है, लेकिन अभी भी ऐसी कई कंट्रीज हैं जहाँ BTS मील लॉन्च होना बाकी है। 18 जून को फिलीपींस में BTS मील लॉन्च होना था, लेकिन BTS मील की लॉन्चिंग से पहले ही वहाँ की डिलीवरी सर्विस कंपनी ग्रैब के एक ड्राइवर ने BTS की इंसल्ट करते हुए उन्हें गे तक कह दिया। 16 जून को इस ड्राइवर ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उसने बाकी ड्राइवर से भी इस पोस्ट को फॉरवर्ड करने को कहा, साथ ही BTS मील को बॉयकट करने की अपील भी की। ये ड्राइवर इतना सब करने के बाद भी नहीं रुका, आगे इसने BTS को बॉय तक कह दिया, जिसका फिलिपिनो मीन होमोफोबिक होता है, जो कि वहाँ की LGBT कम्युनिटी के लिए अब्यूजिव लैंग्वेज के तौर पर यूज किया जाता है। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये पोस्ट वायरल होना स्टार्ट हुई, वैसे ही BTS आर्मी में ग्रैब कंपनी को ही बॉयकट करने की अपील होने लगी। कंपनी को जैसे ही इस इंसिडेंट का पता चला, वैसे ही कंपनी ने एक्शन मोड में आते हुए इस ड्राइवर को ही सस्पेंड कर दिया, और कंपनी ने स्टेटमेंट इशू करते हुए अदर ड्राइवर्स को वार्निंग देते हुए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात कही। लेकिन BTS आर्मी इस इंसिडेंट से इतना ज्यादा नाराज थी कि उन्होंने डायरेक्ट मैकडोनल्ड से ही इस मील को ऑर्डर करने की अपील की और ग्रैब कंपनी को बॉयकट करने को कहा। इसके बाद BTS हेटर्स ने भी इस इंसिडेंट को वायरल करते हुए BTS को बदनाम करने की कोशिश की और कहा कि BTS की वजह से अब ड्राइवर्स की जॉब भी जाने लगी है। कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि BTS आर्मी ने BTS को प्रोटेक्ट करते हुए हेटर्स को अपनी लिमिट्स में रहने को कहा। वेल, अभी तो फिलीपींस में इस BTS मील को बैन करने से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि फिलीपींस में पहले से ही करोड़ों BTS आर्मी है हमारे बांगतन बॉयज को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हमें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये हेटर्स तो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ऐसा करते हैं, इसलिए हमें भी इन्हें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी को लेकर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, द मेथो बायो।